नमस्कार, मैं हूं अल्पना शर्मा और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरियों को पाने में मददगार ये खास बुलेटिन सफलता.com डेली अपडेट्स। आज के इस बुलेटिन में हम आपको जानकारी दे रहे हैं उच्चतम न्यायालय के डिजिटलीकरण की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय श्रीलंका यात्रा की, जानेंगे दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मून जेई इन के बारे में, होंगी कुछ जानकारियां लेटेस्ट सरकारी जॉब्स की भी, और आज की हमारी शख्सियत हैं लीना नायर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करियर अपडेट बुलेटिन। सबसे पहले बातें करंट अफेयर्स की। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अब पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर जोर दिया है। अब कोई भी शख्स न्याय पाने के लिए इंटरनेट के माध्यम से अपनी याचिका अथवा जरूरी कागजात शीर्ष न्यायालय में दाखिल कर सकेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष न्यायालय को डिजिटल बनाने वाली इस व्यवस्था का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय की डिजिटल फाइलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। यह उच्चतम न्यायालय को कागज रहित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मोदी ने उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट को इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी ICMIS के साथ जोड़ा। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेर के अनुसार सभी 24 उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों को नई प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा। यह न्यायिक प्रणाली को तकनीक से जोड़ने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा प्रयास है। पेपर के निर्माण में अधिक मात्रा में पानी खर्च होता है। पेपरलेस होने से पर्यावरण बचाने की दिशा को भी बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के आमंत्रण पर श्रीलंका पहुंचे। अपनी 2 दिवसीय श्रीलंका यात्रा पर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस समारोह में शिरकत कर चुके हैं। वेसाक पर्व भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण की स्मृति में मनाया जाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान कई कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस समारोह में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। मोदी की यह यात्रा श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के आमंत्रण पर हो रही है। वेसाक पर्व भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष समारोह का विषय रखा गया सामाजिक न्याय और सतत विश्व शांति के लिए बौद्ध उपदेश। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक बैठक या समझौता नहीं होगा, लेकिन मोदी श्रीलंका के नेताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस दौरान मोदी के कार्यक्रमों में डिकोया में 150 बिस्तर वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ शामिल है। इस अस्पताल का निर्माण भारत द्वारा करवाया गया है। इसके अलावा भारत की सहायता से बनाए जा रहे कैंडियन नृत्य संकाय की आधारशिला का भी कार्यक्रम रखा गया है। जाने माने रेत शिल्पी सुदर्शन पटनायक कोलंबो में ही हैं। वे संसद भवन के पास वैसाक क्षेत्र में विश्व की सबसे लंबी बुद्ध प्रतिमा बनाएंगे। मून जे इन ने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है। दक्षिण कोरिया के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति पार्क गेउन हाई को भ्रष्टाचार घोटाले में फंसने के बाद पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद देश में राष्ट्रपति चुनाव कराया गया। इससे पहले मून जे इन मानवाधिकार क्षेत्र के वकील थे। दक्षिण कोरिया में डेमोक्रेटिक पार्टी के मून जे इन ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। मून पहले मानवाधिकार क्षेत्र के वकील थे। दक्षिण कोरिया राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में मून को लगभग 41% मत मिले। वहीं रूढ़िवादी नेता हु जून पियो को 24% मत मिले। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव में मून की जीत की पुष्टि की, जिसके बाद मून ने देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। मून का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। बताते चलें कि दक्षिण कोरिया के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति पार्क गेउन हाई को भ्रष्टाचार घोटाले में फंसने के बाद पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद देश में राष्ट्रपति चुनाव कराया गया। आइए आपको बताते हैं कि कहां निकली हैं सरकारी भर्तियां जिसमें आप कर सकते हैं अपना आवेदन। TNAU अंतिम तिथि 22 मई 2017। पदों की संख्या 206। असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर के पद। शैक्षणिक योग्यता 10+2 एवं एग्रीकल्चर में डिप्लोमा। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित। वेबसाइट www.tnau.ac.in। TRB अंतिम तिथि 30 मई 2017। पदों की संख्या 1663। पोस्ट ग्रेजुएट असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर ग्रेड 1 के पद।
शैक्षणिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट एवं बीएड डिग्री। आयु सीमा अधिकतम 57 वर्ष निर्धारित। वेबसाइट trb.tn.nic.in। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास। सफलता.com आपके लिए इन एग्जाम्स की तैयारी को लेकर टेस्ट मॉड्यूल्स बनाता है और आज मेरी पसंद के खास आपके लिए हैं ये मॉड्यूल। यूपी बीएड पेपर - आई मॉक टेस्ट सीरीज safalta.com/upbeedpaper/imocktestseries2/ IAS 2017 एग्जाम बूस्टर safalta.com/IAS2017exambooster दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 safalta.com/dellipolicecontable/। शख्सियत में आज बारी है लीना नायर की, तो आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में कुछ जानकारी। लीना नायर जन्म 28 अक्टूबर 1969, जन्म स्थान कोल्हापुर महाराष्ट्र। यूनिलीवर के संगठनात्मक विकास और लीडरशिप मामलों की हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की प्रबंध समिति में शामिल होने वाली हैं पहली महिला। लगातार 5 वर्षों तक बिजनेस टुडे वर्ग पत्रिका में सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में हो चुकी हैं शामिल। वर्ष 2008 के यंग वुमेन अचीवर इन बिजनेस के खिताब से नवाजी गईं। विश्व मानव संसाधन विकास कांग्रेस से वर्ष 2009 में मानव संसाधन अचीवर का मिला खिताब। वर्ष 2010 के लिए अनुभवी मानव संसाधन पेशेवर का मिला खिताब। हिंदुस्तान टाइम्स और स्टार न्यूज प्रतिभा नेतृत्व द्वारा लीडर ऑफ द ईयर का मिल चुका है खिताब। तो ये था हमारा आज का डेली अपडेट्स बुलेटिन। ये बुलेटिन आप अपने समय और सहूलत के हिसाब से www.safalta.com के वीडियो सेक्शन में कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। कल फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स की कुछ और नई जानकारियों, कुछ नए जॉब अलर्ट्स और एक और शख्सियत के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप बने रहें सफलता.com डेली अपडेट्स के साथ।